दोस्तों अंधेरा कायम रहे। एक साथ आ रहा कीड़ा है जो पीछे ही पड़ जा रहा है और उसका डंक कितना लंबा है। वो एक कीड़ा नहीं है, वो चार पांच प्रीति के पांच छह पीछे पड़ गए मेरे। बहुत डरा दिया उन्होंने मुझे। पांच चेक नहीं किया तो बिल्कुल मतलब ये देखो ये कोई रेनकोट होता है क्या? इसको यहाँ घी तोल बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो ज्यादा घी खाते हैं ना ये पहले तोलता है घी को। पहुंच चुके हैं हम बुग्यालस में, स्टार्ट हो चुके हैं बुग्यालस। ये देखिए घोड़े कहाँ चल रहे हैं, भेड़ भी हमारा साथ देती हुई मानने आ रही है। देखिए शाम के नजारे लेते हुए प्रीति मुंशियारी में कैसा लग रहा है? प्रीति तो दोस्तों अभी हम मुंशियारी में हैं और ये हमने जो होटल लिया हुआ है बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं सामने। ये हम आपको दिखाते हैं अपना होटल रूम और सुबह दिखाएंगे यहाँ से तगड़ा वाला व्यू आपको। हाँ, ये एक्चुअली टेरेस है तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। रूम लिया तो हम पांच लोग है टोटल, तीन लोगों के लिए ये वाला रूम है। रूम काफी अच्छे है और काफी क्लीन है। क्लीन है, बाकी हम चलते हैं नीचे आपको रूम दिखा देते हैं अपना। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है, दिखा सकते हैं। ये देखिए व्यू देखिए। और ये हम चले गए रूम में, ये देखिए मॉर्निंग व्यू भी देख सकते हैं। हाँ अगर आपको देखना हो तो मॉर्निंग का शानदार व्यू आने वाला है। तो रूम काफी अच्छे हैं इनके, ये देखिए होम स्टे टाइप में है सर। दोस्तों बहुत क्लीन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा बहुत क्लीन है, वॉशरूम भी काफी क्लीन। और ये होम स्टे है दोस्तों, नाम हम आपको बता देंगे। वॉशरूम भी काफी क्लीन है, स्मेल नहीं आ रही है कोई सी भी, काफी स्पेशियस भी है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ये सनराइज होम स्टे है और बिल्कुल घर का खाना टाइप बना रखा है। 150 रुपए की प्लेट है ये, एक प्लेट जिसमें आपको ये पनीर है, ये सैलेड है, ये सब्जी है और ये है दाल और ये राइस है और चार रोटी ये लोग इस थाली में देते हैं। और इसका प्राइस है 120 रुपीज। बहुत ही टेस्टी खाना है, हमने चख लिया है तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये लोग रूम और खाना देते हैं। तो दोस्तों आपने होटल रूम देख लिया, अभी हम लोग कल सुबह, आज तो बहुत बारिश थी तो कल सुबह हम लोग जाएंगे खलिया टॉप की ट्रैकिंग करने अगर मौसम अच्छा रहा तो। और वहां से जो ये जो अभी पहाड़ आप दूर से देख रहे हैं वहां पे आप इन पहाड़ों को बिल्कुल पास से देखेंगे, तब आएगा मजा। तो दोस्तों अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और धुंध लगी हुई है। तो लोकल से हमने पूछा कि हम खलिया टॉप जा सकते हैं ऐसे मौसम में, तो उन्होंने बोला व्यू तो आपको नहीं दिखेगा वहां से, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के जो बुग्यालस के नज़ारे हैं, जो नेचर के नज़ारे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार आपका वहाँ जाना तो बनता है। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ जाने का डिसाइड कर लिया। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग खलिया टॉप के लिए निकल गए और रास्ते में आप देख सकते हैं इतनी हमें मॉनसून में, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हमारी कैब कई सारी जगह पे फंसी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है रोड की जो उत्तराखंड में आती है, इसलिए उत्तराखंड में मॉनसून में ट्रैवल करने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों आज हैं हम मुंशियारी में और मुंशियारी की जो एक फेमस जगह है वो है खलिया टॉप। आज हम खलिया टॉप जा रहे हैं और जैसे कि मानसून वेदर में आए हैं तो बरसात भी हो रही है काफ़ी, तो देखते हैं हमें ऊपर से बुग्याल तो दिखेंगे, उसके अलावा हमें हिमपात हिमालय दिख पाता है या नहीं दिख पाता है। और चलिए ये है खलिया द्वार,
आप जहाँ जब होटल लेंगे नीचे, तो ऊपर आपको 3 से 4 किलोमीटर ऊपर आपको आना पड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है हलिया टॉप का। और ले ले एक बार आप आइए, यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है दोस्तों, और 20 रुपये टिकट है पर पर्सन का, और स्टिक्स भी मिल जाती है भैया। हाँ स्टिक्स मिल जाएगा, दिखाओ जरा। और आ रही चा भी आ रही है, अभी सुबह सुबह हम आ चुके हैं और अभी तक ये ऑफिस खुलने वाला है थोड़ी देर में, खुला ही था खुला ही है जब तक आपको ये पढ़ा रहे थे। यहाँ पे लिखा गया है आपका व्यवहार ही आपका परिचय, तो व्यवहार आपका था। और व्यवहार से याद आया, यहाँ पे मुंशारी में मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ लोगों का काफ़ी अच्छा व्यवहार है, बहुत प्रेम पूर्वक पूछ रहे हैं आप लोगों से, और आपकी जो यात्रा है उसको मंगलमय करने के लिए ये लोग हमेशा तत्पर है। ये भैया भी बोल रहे हैं कि रुकिए 2 मिनट, आपको स्टिक्स भी देंगे ट्रैक करने के लिए। चलिए करते हैं खलिया टॉप का ट्रैक। रेनकोट का प्राइस है 50 रुपीज और स्टिक का प्राइस है 50 रुपीज, और बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है तो रेनकोट कोशिश करेंगे ले जाए। तो 20 रुपए टिकट है दोस्तों, और जैसे आप स्टिक लेते हैं या रेनकोट लेते हैं 50 रुपीज का चार्ज है, और इसके अलावा अगर आप गाइड करना चाहते हैं तो गाइड भी कर सकते हैं, उसके अलग एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। कितने हो जाते हैं भैया गाइड के? 1000-1200 के आसपास में। और जो कैंपिंग के आइटम भी मिल जाते हैं ना यहाँ पे, जो लोग ऊपर कैंपिंग करना चाहते हैं उनको कैंपिंग के आइटम भी मिल जाते हैं, उनका अलग अलग प्राइजेस है यहाँ पे। और अपना कैंप भी लेके आना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हैं, अभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं रास्ते में चलते चलते। तो खलिया टॉप का जो डिस्टेंस है यहाँ से 6 किलोमीटर है, भैया बता रहे हैं पहले 8 था तो ऊपर लोग गुम हो जा रहे थे, तो 8 से थोड़ा 6 कर दिया गया है जो पॉइंट है। और चलिए ट्रैक करते हैं स्टार्ट। ये देखने जा रहे हैं, इसीलिए बरसात में अगर आप चप्पल से आते हैं तो और मतलब आपको एडवांटेज थोड़ा बहुत मिल जाता है। ये प्रीति शॉर्टकट मारते हुए, फॉरेस्ट थेरेपी पढ़ लीजिए दोस्तों। और ये प्रीति जो हमेशा पीछे रहती है ट्रैकिंग में, लेकिन आती तो हूँ ना, और ट्रैकिंग करना मेरा पैशन है। अपने सुनिश्चित स्थान में पहुंचने तक बने हुए ट्रेल को न छोड़ें, छूटे पिछड़े हुए पर्यटक मिलने पर साथ लाने का कष्ट करें, बुग्यालों को स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखना है दोस्तों हमें अपने पर्यावरण को। और देखिए खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए थोड़े बहुत बीच बीच में शॉर्टकट भी हम लोग ले रहे हैं, और इसके अलावा जो सर्दियों में आपको इस तरीके के मानसून में जोग लगने की, बहुत ज़्यादा जोग लगने लग जाते हैं। देखिए कैसे लग रखा है, अब इसको हटाया जाएगा। इसको इस तरीके से अब क्या करें, ऐसे हटाना पड़ेगा, हटने को रेडी नहीं हो रहा है दोस्तों। ये हट ही नहीं रहा है, ये देखिए किस कैसे किस तरह, ये देखिए जोग देख पा रहे होंगे आप इस जोक को, ज्यादा देर तक अगर ये आपके पैर में रहेंगे तो खून निकाल देते हैं। ट्रैक के बीच में थोड़ा सा विश्राम करते हुए, पहाड़ के नींबू हम अपने साथ लेकर आए, बहुत ही प्यार से, क्योंकि पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिना किसी कॉस्ट के
दोस्तों ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसने दिया, हमने उसको पैसे देने की काफ़ी कोशिश करी पर उसने लिया नहीं। ये पहाड़ की इसको मानवता कह लो अभी भी बची हुई है, हमारी संस्कृति अभी यहाँ। आप यहाँ आएँ और अच्छी चीज़ों का आनंद लें, पहाड़ी नींबू ककड़ी और काफ़ी चीज़ें ले सकते हो आप। ये देखिए मैडम एलिजाबेथ आ रही है। इसको यहाँ घी तोल बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो ज़्यादा घी खाते हैं ना ये पहले तोलता है घी को अपनी, जो इसका ये आगे लगा हुआ है डंक टाइप का, ये देखिए कितना लंबा है, इससे पता करता है भाई कहाँ छुप गया वो, कि किसने घी कितना खाया है उस हिसाब से डंक मारता है। देखिए कितना इसका आगे का घी तोल है, घी तोल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैसे चेक कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, खाने भी नहीं देना ना दोस्तों। ये देखिए घी कैसे तोल लाए, ये है घी तोल दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा था। आपको हमें रास्ते में बताया गया था 2-3 किलोमीटर पे रिजॉर्ट है, पर 1-2 किलोमीटर जब आप ट्रैक करते हैं ना तो काफ़ी डिस्टेंस होता है, और वैसे भी अगर आप हिल में करते हैं तो आप अपने साथ पानी जरूर रखें आने से पहले। लेकिन जो पानी है वो बड़े बड़ा ना रखें, जरकिन ना रखें, हल्की चीज रखें, कहीं मयूर जग लेके आओगे तो काफ़ी भारी होता है वो। सो ऐसे पानी की बोतल लें जैसे आप गंगा जल भरते हो उस टाइप की बोतल अगर आप लाएँ तो वो बेटर रहेगा। दोस्तों बारिश तो नहीं आ रही है लेकिन रेनकोट पहले हम पहन रहे हैं क्योंकि ये जो घी तोल है ना इन्होंने प्रीति का घी तोल लिया है शायद, और चार पांच एक साथ आ रहा है। कीड़ा है जो पीछे ही पड़ जा रहा है और उसका डंक कितना लंबा है। वो एक कीड़ा नहीं है, वो चार पांच प्रीति के, पांच छह पीछे पड़ गए मेरे। बहुत डरा दिया उन्होंने मुझे। और ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने रेनकोट दिया हुआ है, हमने वहाँ चेक नहीं किया। बिल्कुल मतलब ये देखो ये कोई रेनकोट होता है क्या? इग्लू बना दिया है देखिए। दोस्तों अंधेरा कायम रहे। ये कीड़े अभी भी पीछे आ रहे हैं मेरे। अंधेरा कायम रहे। खूबसूरती देखिए दोस्तों इस ट्रैक की, ये देखिए छोटे छोटे ऐसे जानवर दिख रहे हैं हमें, देख पा रहे होंगे आप। ये वैली ऑफ फ्लावर की याद दिला रहा है थोड़ा, वीडियोस में देखा है, अभी जाने का प्लान है दोस्तों। देखिए पूरा फूलों की घाटी की तरह लग रहा है और बहुत ही छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं और झरना भी बह रहा है यहाँ देखिए। ऊपर से बह रहा है पड़िया बिल्कुल, और ये नीचे को जा रहा है देखिए, खूबसूरत झरना। प्रकृति की गोद में बसा, क्या बसा है बताओ? बुग्याल खलिया टॉप, खलिया टॉप बसा है प्रकृति की गोद में दोस्तों। और ये देखिए नजारा कुछ इस तरीके का हो रखा है, धुंध है चारों ओर और मौसम के नजाकत लेते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों नीचे से अगर आप आएंगे तो 2.5 किलोमीटर के अराउंड पे आपको यहाँ पे मिलेगा ये रेस्ट हाउस टाइप का ही है, और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कैंटीन मिल जाएगी, स्नैक्स अगर कुछ चाय वाय पीनी है, खाना वाना खाना है आपने तो बढ़िया से। और इसके बाद ये खड़ी चढ़ाई है, चढ़नी है तो देख लीजिए यहाँ पे आपको, तो रास्ते में आप पानी रखिए अपने साथ। दोस्तों ये ट्रैक खून मांग रहा है देखिए, ऐसे हो गए हैं पैर दिखाओ भाई, ये देखिए, ये देखो अरे मेरा पैर, ये देखिए सबसे ज्यादा मेरा पैर, ये देखिए कैसे हो चुका है, कितनी देर से चिपका था, मैंने बहुत देर बाद देखा उसे। चलो फिर वापस। वैसे हमने चाइना पीक का ट्रैक किया, केदारनाथ का ट्रैक किया और
टिफिन टॉप का ट्रैक किया, बहुत ट्रैक किए लाइफ में, बट ये सबसे कठिन है, मतलब खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो दोस्तों ये डिमोटिवेट ना होइए, ये प्रीति के लिए कठिन है और हमें तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, भग भग के भी हो जाएगा। कर रही हूं, मैं तो खुद मोटिवेटेड हूं, जा रही हूं टॉप तक। ये देखिए लोग पाए, लोग कहां चढ़ गए, पहुंच चुके हैं हम बुग्यालस में, स्टार्ट हो चुके हैं बुग्यालस। ये देखिए घोड़े कहां चढ़ रहे हैं, खूबसूरती देखिए। धुंध और अद्भुत नजारा, और वो देखिए क्या नजारा है दोस्तों नीचे को। देखिए डॉगी भी आया है यहाँ पे, अच्छा ऊपर आपके वो है क्या? हाँ। बकरियां हैं कहाँ? हाँ। अरे वहाँ भी भेड़ भी, अभी भेड़ भी दिखाएंगे आपको दोस्तों। हाँ, सेपर्ड है आंटी जी, वहाँ टेंट लगा के वहीं रहती है बकरियां बोल रहे हैं। ये भी आपके साथ, और छोटू भी है देखिए, रखवाली के लिए आई है। अच्छा, अरे डरो मत यार उसको। ये देखिए छोटू के नजारे कैसे चौकस हो गया है बिल्कुल। छोड़ो छोड़ो, देखिए खूबसूरत नजारे। यहाँ देखिए दोस्तों गाय दिख रही होंगे आप लोगों को, यही इनका बसेरा है, यही चरती है और यही पानी इनको मिल जाता है, जीवन व्यापन ये यही कर रही है अपना। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स आपको नजर आएंगे बुग्याल में, देखिए झुके हुए रूट निकले हुए हैं, सीधा रूट्स दिख रहे हैं देखिए इनके, ये देखिए। बीच बीच में वो देखिए दोस्तों नीचे जो सेफर्ड्स हैं, चरवाहे हैं, उन्होंने अपने घर बना रखे हैं और अपना जीवन वो यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, दो चार महीने यहाँ रहेंगे अभी फिलहाल वो, जब तक बर्फ नहीं पड़ जाती है। ये देखिए कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ये देखिए भटक गई क्या ये भेड़ है? एक किलोमीटर बचा है खलिया टॉप, और ये देखिए भेड़ भी हमारा साथ देती हुई मानने आ रही है, देखिए मानने आ रही है अपने बच्चे की रखवाली में। बारिश की बूंदें भी आने लग गए हैं दोस्तों। दोस्तों एक और माइलस्टोन आज टच कर दिया है खलिया टॉप का, थोड़ा जबरदस्त ट्रैक रहा वाकई में, मतलब यहाँ के लिए आपको थोड़ी फिटनेस लेवल दिखाना ही होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, खलिया टॉप बुनशारे 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से बहुत आगे न जाए, आगे नेटवर्क नहीं है और भटकने की संभावना है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। तो यहाँ से हिमालय के जबरदस्त जबरदस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये है 0 पॉइंट और आज एक और माइलस्टोन टच कर दिया है हम लोगों ने UTT Vlogs ने, और हमारे साथ आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं
तो आपने देख लिया वीडियो और आप उम्मीद है बहुत जल्द ये पॉइंट भी टच कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखते हैं हिमालय के, पूरा हिमालय रेंज है। 3 किलोमीटर जो हम आए वो पूरा बुग्याल है 3 किलोमीटर से। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली काफ़ी थक जाते हैं कई लोग, और कई लोग आधे रास्ते से ही वापस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से भी सेम व्यू उनको दिख जाता है हिमालय का। बट हमारा जो माइलस्टोन था वो टच करना था 0 पॉइंट, जो कि 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने किया। और मैं आपको टाइम बताता हूँ, अभी 2 बज रखे हैं, तो हम लोगों ने 10 बजे स्टार्ट किया था, 10:15 पे, और 2:15 के आसपास हो रहा है, तो 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे हमें लगे ये 6, जबकि हम एक थोड़ा नॉर्मल स्पीड से आए थे। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे झंडे टांगे गए हैं, और यहाँ पे कभी दोबारा आएंगे और हिमालय देख, अगर किस्मत रही तो हिमालय दिखेगा तो आएंगे और कैंपिंग भी करेंगे। और हमारे एक भाई बंधु लोग वो पल्ली चोटी पे चले गए हैं, वहाँ वहाँ वो देखिए उधर चले गए हैं, वो देख पा रहे होंगे जो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए वो उस चोटी पे चले गए हैं वो। और एक भाई हमारा इधर चोटी पे बैठा हुआ है, देखिए कहाँ दिख रहा है वो रहा। और देखिए धुंध कैसे आ रही, कोहरा कोहरा छाया हुआ है। तो पीछे देख पा रहे होंगे आप त्रिशूल को, और ये जो हम बैठे हुए हैं टॉप है, इससे ऊपर कोई टॉप नहीं है, ये हाईएस्ट पीक पे हम चढ़ गए हैं दोस्तों। इसके आगे आप बुग्याल से नीचे को जा सकते हैं अभी, तो सबसे टॉप पे हमने फतेह हासिल की है, वो जो 0 पॉइंट था। और उसके अलावा उधर देखिए भेड़ भी दिख रहे हैं, ये देखिए भेड़ कहाँ चढ़े हुए हैं, भेड़ भी हमारे साथ टॉप पे चढ़े हुए हैं, अगर इधर आसपास कहीं आपको भेड़ दिख रहे हैं। ट्रैकिंग की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर हमें बताएं, और इस वीडियो को इसी त्रिशूल के साथ एंड करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और इसी तरीके से हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए। और हाँ, एक दो बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप आते हैं, चाहे आप सीजन में आए या ऑफ सीजन में आए, अपने साथ एक रेनकोट रख, पानी खाने के लिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए रख लीजिएगा, और थोड़ा पानी अपने साथ रख लीजिएगा, आप आराम से इस ट्रिप को इंजॉय करेंगे। और साइन बोर्ड आपको रास्ते पर नजर आएंगे, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। माइट भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधाएं कुछ हो, अगर उन नंबर्स पे हम कॉल करें तो। बाकी बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैकिंग लवर हैं तो प्यार से आइए आप, 3 घंटे में तो आराम से इसको 3-3.5 घंटे में ट्रैक कर लेंगे। आने का बता रहा हूँ मैं, जाने का वो अपना अपना स्पीड है, 2-2.5 घंटे लगेंगे। अगर हमें 4 घंटे आने में लग रहे हैं तो 2 घंटे जाने में लगेंगे। और बारिश भी हो रही है, खूबसूरत नज़ारे हैं, कैमरा उतना कुछ नहीं दिखा पाता जिस हिसाब से हमारी आंखें देखती है, तो अद्भुत नज़ारा है, अविश्वसनीय नज़ारा है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों। मतलब यादगार लम्हों में ये चीज़ कैद हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये क्या जगह है दोस्तों, जन्नत बोलते हैं, साक्षात जन्नत धरती पे ही है, ऊपर यही जन्नत है मुझे लगता है, बाकी ऊपर ज़्यादा जन्नत दिखेगी नहीं, वहाँ तो आपके कर्मों के फल दिए जाएंगे आपको। जन्नत वाकई में कर्मों का फल हमें मिला है, एज ए ह्यूमन जो हम इंसान बने हैं, तो हमारे को जन्नत यहीं देखनी है। तो घूमिए, फिरिए, नाचिए, गाइए, ऐश कीजिए, खुशियाँ लुटाइए, और ऐसे ही झंडे गाड़ते रहिए, ट्रैक करते रहिए, जिसको बीच में अपने मजे लेने वो वहाँ ले, जिसको जंगलों में भटकना है वो भटके, जिसको बुग्याल में आना है बुग्याल में आइए। कुल मिला के अपने आँखों को थोड़ा सा नमी दीजिए, और क्या तारीफ करूँ इस कुदरत की, क्या तारीफ करूँ इस कुदरत की, क्या करिश्माई जगहें बनाई हैं दोस्तों। अभी तो ये शुरुआत है यूटीटी व्लॉग्स की, आगे तो बहुत ही शानदार जगह और देखनी होंगी। हर जगह अपने आप में अलग होती है, हर जगह की अपने आप में एक विशेषता होती है, और जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा घूमते रहिए और इन्जॉय कीजिए। टेक केयर, बाय दोस्तों।
और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए, आगे और ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, महादेव, जय जय शंभू।